नाजरीन आदाब, रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंगसफर में आपका इस्तकबाल है। आज दूसरी सीरीज की 12वीं और आखिरी किस्त में हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मुंबई से जनाब मोहम्मद मुजीब खान जुड़े हुए हैं। मुजीब खान साहब, रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंगसफर में आपका खैर मकदम है। आदाब, नमस्कार जी। आदाब आदाब, बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे साथ आए और हमारी दावत कबूल की आपने। जी, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि रंगरस उर्दू में शाया होने वाला थिएटर मैगजीन है, जिसका मकसद थिएटर की अहमियत और अफादियत को उजागर करना और दुनियाए थिएटर की सरगर्मियों को कारईन के सामने लाना है। रंगरस की ये ऑनलाइन सीरीज रंगसफर भी इसी कोशिश की एक अहम कड़ी है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, मैं मोहम्मद मुजीब खान साहब का तारुफ, मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मुजीब खान साहब, इजाजत है ना? बिल्कुल। जी जी, शुक्रिया। मोहम्मद मुजीब खान साहब का ताल्लुक मुंबई से है, एक जमाने से उर्दू थिएटर की खिदमत कर रहे हैं। 2003 में इन्होंने आइडिया यानी आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट के नाम से एक ग्रुप कायम किया और लगातार इसके बैनर के तले ड्रामे पेश करते जा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा कारनामा आदाब मैं प्रेमचंद हूं के नाम से एक सीरीज के तहत मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को स्टेज की जीनत बनाना है। पिछले 600 हफ्तों यानी 11 वर्षों से लगातार प्रेमचंद की कहानियों को पेश कर रहे हैं। प्रेमचंद की 315 कहानियों में से 313 कहानियों को स्टेज कर चुके हैं। इस तारीखी काम की वजह से इनके ग्रुप का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। प्रेमचंद की सीरीज के अलावा इन्होंने नमस्कार मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूं, नमस्कार मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूं के नाम से टैगोर की कहानियों को भी पेश किया है और सादत हसन मंटो की कहानियों को मंटो का दीवानापन के नाम से उनके कई अफसानों को पेश किया है। इन्होंने इस्मत और मंटो के रिश्ते को लेकर इन्होंने इस्मत मंटो जुगलबंदी के नाम से एक ड्रामा पेश कर चुके हैं। इसके अलावा महाभारत के वाकयात को मंजूम ड्रामे की शक्ल में पेश करने का शरफ भी इन्हें हासिल है। मिर्जा गालिब, इकबाल, महात्मा गांधी, फिराक, भगत सिंह जैसी शख्सियात को भी अपने ड्रामे का मौजू बनाया है इन्होंने। सामाजिक फलाह के लिए सोशल इश्यूज पर भी नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं। अब तक तकरीबन 500 यकबाबी ड्रामे और 10 फुल लेंथ ड्रामे की हिदायतकारी कर चुके हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, स्पार्टकस, सुगंधी, आजाद का ख्वाब, हिंदुस्तान की आजादी और स्वामी विवेकानंद इनके नुमाइंदा ड्रामों में से है। तो मुजीब साहब, आपके साथ बातचीत करके बहुत सारी परतें खुलेंगी, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और हमारी जानकारी में भी इजाफा होगा और हमारे नाजरीन भी आपकी गुफ्तगू से फैजयाब हो सकेंगे। सबसे पहली बात तो ये जानना चाहूंगा कि आपके थिएटर की सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई? मुख्तसर मैं बयान करूं तो ये कि मैंने सबसे पहले थिएटर शुरू किया था जब मेरी उम्र 14 साल थी जी, और ड्रामा करने की चाहत थी, पागलपन था। तो कादर खान जो थे वो उनसे बहुत गहरे मरासिल रहे हमारे जी। और कादर खान हमारे स्कूल में हमारे टीचर भी थे, तो कादर साहब के प्लेज हम देखा करते थे। हम बचपन से हम कादर खान के ड्रामे देखते हुए बड़े हुए जी। तो जब स्कूल में गए, कादर खान से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें डायरेक्ट किया, तो तब से ये एक जुनून सवार हुआ और वो ऐसा पागलपन था जो आज तक नहीं उतरा। आज वैसे के वैसे ही है मामला। और फिर जब खुद से ड्रामा करने की कोशिश की तो लोगों के पास गए कि भाई हमको स्क्रिप्ट चाहिए, तो लोगों ने हमको बहुत हल्के में लिया। अभी तुम क्या करोगे ड्रामे, तुम तो बच्चे हो, तुम कैसे ड्रामे करोगे, तुम्हारे को कोई तजुर्बा नहीं है, तुम क्या जानते हो थिएटर के बारे में। तो फिर उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था जी। तो मैंने
खुद ड्रामा लिखा अच्छा और मैं 14 साल 15 साल का हूंगा और जो मेरे एक्टर्स थे वो 28 साल और 30 साल और 35 साल के थे। उनको अच्छा लेकर मैंने ड्रामा डायरेक्ट किया। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, आपको आप शेयर करूंगा आपसे। जी जी अब ये कादर खान से छुप छुपा के करना था कि जी कादर अच्छा खान चले कि हम ड्रामे कर रहे हैं, तो मेकअप मैन कहाँ से आए, सेट का अरेंजमेंट कैसे हो, तो जी बड़ी दिक्कत थी। तो हमने क्या किया कि 5-5 रुपए की साड़ी मिलती थी, कॉटन की साड़ी। हम जी लोग जो थे चूंके टेक्निकल स्कूल के स्टूडेंट थे, तो हमने लकड़ियों के फ्रेम बनाए, अपने हाथ से ठोके, उन पर साड़ियां लगाई, उन साड़ियों पे पेपर चिपकाया और पेपर को पेंट किया सेट के अच्छा साथ। जी ऐसे जी करके हमने कम से कम एक 15-16 फ्रेम तैयार किए। अब उन फ्रेम्स को थिएटर तक कैसे ले जाएं, ये भी एक दिक्कत थी। तो हमने जी जो है एक हाथ गाड़ी ली, हाथ गाड़ी पे फ्रेम रखा और खुद ठेलते हुए ले गए थिएटर तक। जब अच्छा कादर खान को बिल्कुल पता नहीं था कि हम ड्रामा कर रहे हैं, वहां गए, वहां हमने जो सारे फ्रेम्स को रस्सियों से बांधा और विंग से बांधा और ड्रामा शुरू हुआ। और 10 मिनट के बाद कादर खान की एंट्री हुई। आप यकीन मानिए, उसने देखा कादर खान को और डायलॉग मिले और सब खड़े हैं। ऑडियंस परेशान कि क्या हो रहा है, कादर खान घूर रहे हैं, हमको घूर रहे हैं। उनका एक स्टाइल था, अपने अपने पैरों का ऐसे करते थे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। और साहब हमने पर्दा गिराया, कादर खान बैकस्टेज पे आए और उसको देख कर सब ने हाथ जोड़ा कि नहीं सर ये इसने किया था, नहीं सर इसने किया, सर उसने किया था, उसने किया। फिर साहब पर्दा खुला और कादर खान स्टेज पर आए। उन्होंने माइक आकर कहा कि मुझे अफसोस है कि पूरी कौम की कौम भूली भी थी, अच्छा इतना खराब तजुर्बा था। जी लेकिन फिर भी वो हम लोगों ने छोड़ा नहीं, हमने कहा कादर खान से बच के करते रहेंगे। और करते अच्छा करते 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 फिर कादर खान एक दिन मुझे कंपटीशन में मिले, जहां वो आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमने मेरी परंपरा बदल दी। अच्छा पता नहीं आप दर्शक कितना जानते हैं, कादर खान के ड्रामों का एक स्टाइल था, जो कादर अच्छा खान स्टाइल के ड्रामे थे वो अच्छा कादर खान के तरीके से ही डायरेक्ट किए जाए। जो डायरेक्शन कादर अच्छा खान ने दिए, अपना दिमाग इस्तेमाल मत कीजिए आप। कादर खान जो अच्छा फिक्स मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स उसको कादर खान बोलते थे मैकेनिकल मूवमेंट्स। हम लोग टेक्निकल स्कूल के बच्चे थे, तो कादर खान मैकेनिकल मूवमेंट सेट करते थे। और कादर खान का जो कॉमेडी पंच था, कॉमेडी जो कादर खान ने की है, आप सब जानते हैं, कादर खान की फिल्में देखते हैं कि जो जी उनका कमाल था वो उनके कॉमेडी पंचेस थे। तो कादर अच्छा खान ने उस तरह ट्रेंड किया था। लेकिन जब हमने ड्रामा शुरू किया तो हमने कादर खान के उस ट्रेंड के साथ काम नहीं किया, हमने अच्छा अपनी एक अलग पहचान बनाई। और कादर खान ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई तुमने तो अपना मेरा बिल्कुल मेरी परंपरा ट्रेंड ही बदल दी। बदल दिया सर ऐसा है कि आपने जो सिखाया है हम उससे कुछ अलग करना चाहते हैं, हमें इस बात की आप इजाजत दीजिए। तो फिर हमने अपना एक तरीके से शुरू किया और करते करते फिर हम इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन पहुंचे। उसके बाद उर्दू एकेडमी हमारे यहाँ थी महाराष्ट्र में, अभी भी है जी लेकिन ठीक से चल नहीं रही है। तो उस अच्छा उर्दू एकेडमी के ड्रामा कॉम्पिटिशन में हम गए। हर जगह की एकेडमी इसी तरह चलती है, ठीक से नहीं चलती है। बिल्कुल जी तो उसका कंपटीशन शायद सेकंड कंपटीशन था। तो जी मेरा एक ड्रामा था लाचारे माई, जी अच्छा वो प्ले मैंने स्टेज किया। इसमें चुगताई जज थी, अच्छा सुदाबा जज थी। तो वो मेरा प्ले पांचवा था। अब बाद में 5-4 ड्रामे और भी थे, या 5 ड्रामे और थे। तो वो स्टेज पर आई ड्रामा खत्म होने के बाद और चिल्लाते, जैसे अश्वदाबा का एक स्टाइल था बात करने का, लाउड दबंग और कि मुजीब खान कौन, कौन है मुजीब खान, कौन
कौन है मुझे निकालना, तो मैं डर गया, परेशान था, मैंने क्या गलती कर दी। तो मैंने कहा कि आपा मैं मुजीब खान, तुम मुजीब खान हो? हाँ आपा मैं हूँ। नहीं तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। तो मेरे एक्टरों से पूछा कि कौन है मुजीब खान, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे सर हैं। तो आपा मेरे करीब आई, उन्होंने जैसे हाथ रखा और मुझको कहा कि मेरे बच्चे तूने ये क्या लिखा है, तेरा ड्रामा देखकर मेरी रूह कांप गई है कि आज हमारे का बच्चा ऐसा सोच रहा है, जब भी कुछ लिखेगा तू मुझे आकर सुनाएगा और मैं तेरे नाम को दुरुस्त करूंगी। तो मैं मुझे खुशी इस बात की है कि आपा के साथ 3-4 साल वो उस दौर में मैं उनको मिलता रहा, उनसे डिस्कस करता रहा और बहुत सीखने मिला मुझे, बहुत 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 खुशनसीबी रही आपकी। अच्छा ये बताइए कि आपने ड्रामा पहले अदाकारी की, फिर उसके बाद आप लिखना शुरू किया, आपने हिदायतकारी भी साथ साथ की, तो आपको सबसे ज्यादा इब्तदाई दौर में किस चीज में मजा आता था, ड्रामा लिखने में, पेश करने में, हिदायतकारी में या अदाकारी करने में? दिल की बात, मुझे ड्रामा डायरेक्ट करने में बहुत मजा आता। अच्छा, जी जी, मुझे एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है जी। राइटिंग तो मैं राइटर बन गया, मुझे राइटर बनना नहीं था, बन गया जी। और डायरेक्शन का शौक मुझे बचपन से जी। मैं जब मैं चौथी जमात में था तो हमने कादर खान ने एक ड्रामा करते थे लोकल ट्रेन। अच्छा। तो हमने उनके पंचेस चुरा के अपने स्कूल में ड्रामा किया था। अच्छा। उनके सारे डॉलर चोरी करके हम लोगों ने चुराऊ बच्चे बचपन में वो उतना चलता है, उतनी छूट सबको रहती है। और शौक यही रहा कि डायरेक्ट किया जाए, ये ड्रामा डायरेक्ट करने का हमेशा से जुनून रहा। और मैंने इसीलिए मैंने अपना पूरा फोकस जो था वो डायरेक्शन पे डाल दिया था। अच्छा अच्छा। आपने मुंशी प्रेमचंद के तकरीबन 315 अफसाने हैं, 315 कहानियां हैं, उसमें से 313 कहानियों को आपने स्टेज कर डाला। मुंशी प्रेमचंद के अफसानों को पेश करने की तहरीक आपको कैसे, कहां से मिली? मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, प्रेमचंद जी ने जो लिखा है कि मैं जब कोई प्लॉट सोचता हूँ जी, तो उस प्लॉट को 8 लाइन में अंग्रेजी में लिखता हूं, और अंग्रेजी में लिखने के बाद जब मैं उसको पढ़ता हूं और मुझे लगता है कि इसमें ड्रामा है तो मैं उस पर कहानी लिखता हूं, अगर मैं ड्रामा नहीं होता तो मैं कहानी नहीं लिखता। तो 2005 में भारत सरकार ने 125वीं बर्थ एनिवर्सरी का ऐलान किया, मुंशी प्रेमचंद की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 2004 इतने बड़े लेखक को किस तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया जाए, तो एक तरीका यह है कि उनकी कहानियों पर ड्रामे किए जाएं। तो हमने शुरुआत में उनकी एक दो कहानियां की और उसका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं आया। लोगों ने हमसे कहा क्या मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़ना नहीं चाहता, आप दिखा रहे हैं। मैं इस बात से मायूस नहीं हुआ, मैं बिल्कुल मुझे उम्मीद थी कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। और फिर मैंने और उनकी कहानियां पढ़ी, उनको अडेप्ट किया, उनको स्ट्रेच किया। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में एक रस है, ड्रामा स्टार्ट होता है और ड्रामा हो जाता है। आपको तमीज बांधनी नहीं पड़ती है, आपको किरदारों को इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है, प्रेमचंद अपनी कहानियों को शुरू करते हैं और आपको पकड़ लेते हैं। तो उनकी सारी कहानियां पहले ख्याल था कि 4-5 करेंगे, फिर बड़े 10 कर लेते हैं, फिर 50 कर लेते हैं, फिर 100। वो पुरानी जो शराब होती है ना, हर पैक में आप अलग मजा, तो वो मजा आपको मिला था। और मैंने इतना एंजॉय किया है मुंशी प्रेमचंद को, इतना एंजॉय किया। मैं प्रेमचंद की कहानियां जब स्टेज करता हूँ तो मैं उसको मजा लेता हूँ, उसका। और जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो काम आपका अच्छा होता है। जब काम एंजॉय नहीं करते, आपको अगर काम बोझ लगे तो काम अच्छा नहीं होगा। तो मैंने
एंजॉय करता हूँ प्रेमचंद जी को और उनकी हर कहानी। अगर मैं आपको तीन कहानियों का जिक्र करूं यहाँ पर, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी जीवन सार, उनकी एक कहानी मेरी पहली रचना और चोरी, ये तीन कहानियां वो हैं। अगर आपको प्रेमचंद को समझना है, प्रेमचंद को जानना है, तो ये तीन कहानियां आप पढ़िए। और इन तीनों कहानियों को अगर आप मंच पर देखेंगे तो आपको लगेगा ये तीनों कहानियां अलग है। तो तीनों कहानियों में प्रेमचंद की अपनी दास्तान है, लेकिन वो आपको अलग लगते हैं। प्रेमचंद की आप मिस पद्मा 1914 की कहानी है साहब, और उसमें प्रेमचंद जी ने कहा है लिव इन रिलेशनशिप, एक औरत एक आदमी के साथ बिना रिश्ते के रह सकती है। 1914 की बात कर रहा हूं हजार साल, जब उस वक्त अगर औरत का गौना नहीं होता था तो वो औरत के इलाके में नहीं जाती थी। बिल्कुल, प्रेमचंद जी ने गौना पे कम से कम 4-5 कहानियां लिखी है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आप प्रेमचंद जी की मिस पद्मा पढ़े, आप प्रेमचंद जी की ज्वालामुखी पढ़े। ज्वालामुखी कहानी मैं खास तौर पर यहां पर कोट करना चाहता हूं कि ज्वालामुखी कहानी ज़ॉम्बीज पर है, ज़ॉम्बीज पर, यानी एक औरत है, उसको मर्दों को मिलने का शौक है, फिर मर्दों को जिंदा जिंदा खत्म कर देती है, वो उनके आसाब फना कर देती है। और साहब हमारे हिंदुस्तान में ये कहानी लिखी गई है 1913-14 के बीच में, और अंग्रेजी में जो पहली ज़ॉम्बी फिल्म आई है 1950 के बाद आई है। तो प्रेमचंद आउटडेटेड कैसे हैं, वो जो बात कर रहे हैं उस बात पर हमने कभी गौर नहीं किया। मेरी शिकायत है नक्कादों से कि नक्कादों ने प्रेमचंद को 3-4 कहानियों में ऐसा गूंद दिया है, सोचते नहीं है। तो प्रेमचंद यानी कफन, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, दो पैरों की कमान। लेकिन जब आप प्रेमचंद पढ़ते हैं तो आपको हर कहानी में प्रेमचंद एक अलग कहानी अलग रूप नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं। और अजहर साहब, एक आदमी लम्ही गांव में बैठा हुआ है और बरू कलम में स्याही डुबो के लिख रहा है, बहुत सादगी, लैपटॉप नहीं है उसके पास, और कहानी क्या कंसीव कर रहा है, ज्वालामुखी कंसीव कर रहा है, वो कहानी कंसीव कर रहा है मिस पद्मा। कितना बड़ा काम है प्रेमचंद का, कितना बड़ा काम बताइए जी। अच्छा, आपकी इस प्रेमचंद की कहानी को पे करने का तरीका क्या रहा है, क्या किस प्रोसेस से, किस तरह से आपने पेश किया है? दो तरीका है। एक तरीका तो यह है कि सूत्रधार के माध्यम से हम कहानी को बयान करते हैं, नैरेटिव पूरा। दूसरा क्या है कि सूत्रधार का जो कंटेंट है उस पर हम सीन क्रिएट करते हैं, उस कंटेंट पर सीन क्रिएट करते हैं, और 2-3-4 लोग आके हैं उस पूरे कंटेंट को बयान करते हैं। अच्छा, तो उससे कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है और कहानी का मूवमेंट क्या बनेगा, वो 3-4 कैरेक्टर्स बयान करते हैं। वही किरदार, वही कैरेक्टर्स नाटक के किरदार बन जाते हैं, और नाटक में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से 2 फॉर्मेट हमने किया है, और दोनों फॉर्मेट कमोबेश दर्शकों को समझ में आता है, लोग उसको एंजॉय करते हैं। जी जी, तो ये तो असल में जो स्टोरी थिएटर का जो कहानी का मंचन है उसी फॉर्म पे है ये, यानी आपने प्रेमचंद की कहानियों को अडप्ट करके ड्रामा नहीं बनाया है, अडप्टेशन करके, मैं कहानियों को आपने अडप्टेशन करके काम किया है। कहानी अडप्ट किया है मैंने, कहानी अडप्ट की है, ड्रामे के फॉर्म में किया है। किरदार हैं, कैरेक्टर बाकायदा आते हैं, उनके अपने मैनरिज्म्स हैं, उनका अपना मेकअप है, उनका कॉस्ट्यूम है, और प्रेमचंद को वो तो थिएटर की लैंग्वेज है। अब प्रेमचंद को हम रियल फॉर्म में, प्रेमचंद के फॉर्म में करते हैं। नंबर एक मैं बता दूं, हमारे स्टेज पर हम कोई प्लास्टिक की चीज इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, हमारे स्टेज पर कैरेक्टर जींस नहीं पहनता। अच्छा, हमारे कैरेक्टर की जो मूछे दाढ़ियां और बाल हैं हम उस दौर के बनाते हैं। अच्छा, उस दौर के लोग। हमारे स्टेज पर हम ऐसा कोई भी एक्शन नहीं करते जिसमें आज का दौर प्रिंट हो।
प्रेमचंद को हम प्रेमचंद के टाइम फ्रेम में करते हैं, जैसे मैंने किसी के बीच में बड़े भाई साहब देखा, बड़े भाई साहब ड्रामा हो रहा है, कहानी प्रेमचंद की है, डायलॉग प्रेमचंद का है और किरदार जींस पहना हुआ है और जींस पहन के बड़े भाई साहब किरदार अदा कर रहा है। मैं कैसे बिलीव करूं उसको जो जींस पहन के कर रहा है? बात वो कर रहा है हेनरी फोर्थ की, हेनरी फिफ्थ की बात कर रहा है, बात वो कर रहा है अपनी अम्मा की, अपने अब्बा की, डिप्टी कलेक्टर की बात कर रहा है और जींस पहन के बात कर रहा है और ये कहता है कि मैं तुमको मिलता हूं अभी मेट्रो स्टेशन पे। ये तो खैर डायरेक्टर का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, अपने अपने ढंग से चीजों को प्रेजेंट सिचुएशन के साथ मिलाने का उनका तरीका है, लेकिन कहां तक। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरह के डायलॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, आप जिस तरह के कैरेक्टर बना रहे हैं तो उसमें आपका फॉर्मेट कैसे आ सकता है, कैसे करेंगे? या तो आप कहिए कि प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब से हम इंस्पायर हुए हैं और उसको लेकर काम कर रहे हैं। जी, यानी ये जो कहानी का जो ये जो मंचन है, कहानी का स्टोरी थिएटर का मंचन, जो जैसा कि हर कोई जानता है कि इसकी शुरुआत आज से 30-40 साल पहले देवेंद्र राज अंकुर ने की थी, यानी पहली बार कहानी को कहानी की शक्ल में ही पेश की जाए, यानी कहानी को अगर हम ड्रामेटाइज कर देते हैं तो वो नाटक बन जाता है, या फिर कहानी के किसी प्लॉट को लेकर अगर ड्रामा लिखा तो वो अपने आप में एक अलग ड्रामा हो जाता है। लेकिन कहानी मिन्नोअन जैसी लिखी हुई है वैसा ही पेश करना, ये स्टोरी थिएटर है, जो स्टोरी मंचन है, जो दिल्ली में जिसकी शुरुआत तो देवेंद्र राज अंगूर साहब ने की थी और कलकत्ते में इसकी शुरुआत उमा ने सबसे पहले की 2005-06 से उसने कहानी का मंचन करना शुरू किया। अब ये बताइए कि आपके यहाँ मुंबई में इस तरह की कहानी का जो आप पेश करते हैं, जो कहानी का मंचन है, इसे हम स्टोरी थिएटर ही कहेंगे, कि जिसमें आप प्रेमचंद की पूरी रूह को सामने रखते हैं और पूरे उनके टेक्स्ट के साथ कोई छेड़छाड़ आप नहीं करते हैं, जैसा लिखा गया है वैसा करते हैं, तो ये मुंबई में आपसे पहले कभी किसी ने किया है या और भी कोई लोग करते हैं? मैं एक थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन कर दूं, 1983 में, 1983 में जी जी हमने मंटो की एक कहानी को ड्रामेटाइज किया जी और हमने बॉम्बे में ड्रामा किया। अच्छा, 1983 की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, बहुत हम कॉलेज से निकल रहे थे और तब वो ड्रामा हमने किया था और तब से हमने बहुत सारी कहानियों को इस तरीके से हमने किया, हम करते रहे। अच्छा, जी जी। अब मैं ये नहीं जानता कि अंकुर साहब ने किस जमाने में किया, मुझे नहीं, 83 में किया है और उसका मेरे पास अखबार की कटिंग भी है कि उस अखबार में उस नाटक के बारे में आया था कि मैंने कहानी भी किया। तो ये बॉम्बे में तो कोई नहीं करता, बॉम्बे में बल्कि हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं तो बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, मेरा मकसद क्या है अजहर साहब, कि प्रेमचंद की कहानियों को ड्रामे के फॉर्म में करना और प्रेमचंद के नाम पर ही करना। प्रेमचंद की मौत के बाद प्रेमचंद की 313 कहानियां और 313 ड्रामे, उसकी लेखक की मौत के बाद, उसकी दुनिया चले जाने के बाद उसी के नाम पर 15 ड्रामे। तो मैंने प्रेमचंद के नाम पर ही ड्रामे किए और मैं प्रेमचंद के किसी लफ्ज को नहीं बदलता। अगर वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक असल मेन स्टोरी थिएटर वही है कि उसमें किसी तरह की तब्दीली ना की जाए, और अगर अगर मुझे कुछ ऐड करना होता है तो मैं प्रेमचंद की भाषा में ही ऐड करता हूँ। अच्छा, उन्हीं की भाषा में, मैं कुछ भी आज की भाषा इस्तेमाल नहीं करता जी। मैं अगर उनकी खालिस उर्दू वाली कहानी करता हूँ तो उसको खालिस उर्दू में ही करता हूँ, कहीं शुद्ध हिंदी कहानी है, मैं कभी उसके फॉर्म को नहीं बदलता। अगर ये कहा गया है कि हरकारा एक पैसे के लिए बकबक झकझक कर रहा है तो मेरा किरदार यही कहता है कि हरकारा एक पैसे के लिए कर रहा है। जी जी, मैं बताना चाहता हूं कि उस जमाने के वैल्यूज क्या थी, उस जमाने के अंदर, उस जमाने में लैंग्वेज क्या थी, उनकी कहानियां खूचड़ कहानी में एक डायलॉग है कि हलवा कैसा बनाया कचाइयां आ रही थी, हलवा कैसा बनाया कचाइयां आ रही थी। तो
हमारे यहां उर्दू में कच्चेपन के लिए भी एक लफ्ज है, कचाइयां। कचाइयां। आप क्या कहेंगे, कच्चा यार, ये खाना कच्चा है, लेकिन जी उसके लिए कचाइयां वर्ड है। तो कचाइयां जी। अगर प्रेमचंद की उन कहानियों को आप कर रहे हैं और इन जी लफ्जों को आप सुन रहे हैं, हाँ, सुन रहे हैं। वो कैबलरी आपकी बढ़ रही है जी जी और बिल्कुल ऑडियंस देख रही है वो कितना समझ रही है इस बात को। जी, तो हमने इस बात का ध्यान रखा। ध्यान रखा है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रेमचंद के अलावा टैगोर और मंटो की कहानियों को भी पेश किया है। प्रेमचंद की कहानी और टैगोर की कहानी में थोड़ा सा मुमासलत है, कहिए कि समाजवाद और उसका असर दोनों की कहानियों में है। मंटो बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले एक राइटर अलग हैं। बात। इन तो तीनों की कहानियों की पेशकश में क्या फर्क आपको नजर आया आपको पेश करते वक्त? देखिए मैं बताऊं, प्रेमचंद जी और टैगोर की कहानियां तो बहुत सिमिलर लगती हैं, प्रिय लगता है, समाधि हाँ, उस लेकिन और जमाना भी दोनों मंटो ही है, जो है वो एकदम ऑपोजिट है। अपोजिट। जैसे बंबैया जबान में क्या बिड़ू जी क्या करता है, किधर गया था, मिलता है नहीं, तू काम बात नहीं करता है मेरे से, वो मंटो की कहानी मोहम्मद भाई है, मोहम्मद भाई ने कहते बिल्कुल इधर लीफे के अंदर रखता है, बड़े सटाक से मारेगा निकल जाएगा। हाँ आपको आपको मंटो जब आप करते हैं तो आप बिल्कुल प्रेमचंद और टैगोर से विपरीत, ऑपोजिट। अपोजिट है तो हम अब चूंकि हम मुंबई आए, हम मुंबई गए हैं, तो मंटो को करने में और मंटो की कहानियों के साथ खेलने में जो मजा आपको आता है, क्योंकि वो सारा जो हमने अपने बचपन में उन लोगों को देखा है, जैसे मोहम्मद भाई कैरेक्टर हमारे बचपन में उसको देखा है, और मैं रहता भी था बॉम्बे साउथ में, तो मेरा जी बचपन जी वहां है, मुझे पता है वहां कि गुजरा है। हुआ करते थे। तो अच्छा मंटू की कहानियों में एक अलग मजा है जी और हम इंजॉय करते हैं, मंटू भी बहुत इंजॉय करते हैं। जी 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 अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रेमचंद की तकरीबन 313 कहानियों को स्टेज किया, दो कहानियां क्यों रह गई आपसे? हाँ भाई, तो ऐसा है कि ये सवाल, मैंने इस जी सवाल का जवाब बहुत लोग मुझसे कहते हैं, और जी जी मेरी मेरी प्रॉब्लम क्या है सर साहब, ये दो जी कहानियां जो रह गई हैं, इन कहानियों में बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट करना पड़ेगा मुझे। हालांकि अच्छा, वो उसका तरीका है कि आप सुधीदास बुलवा लें, नरेश करवा लें, सरदार मिले जाए। मैं उनको असल में थोड़ा सा बहुत ठहर के और बहुत अच्छे पैमाने पे करना चाह रहा हूँ, प्रॉपर सेट वेट के साथ, अच्छे से। तो वक्त लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो, मैं इस लॉकडाउन हो गया वो नहीं, इस साल हम खत्म करने वाले हैं, मुकम्मल कर और लेते हैं हम उनको। मंटो की तमाम, सॉरी, प्रेमचंद की तमाम नॉवेल्स भी चाह रहे थे, अच्छा, हमने नॉवेल को भी आप स्टेज करना चाह रहे हैं। सारे 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 नॉवेल्स अच्छा सबको हम अच्छा सबको तो शामिल करते नॉवेल के कुछ एक चैप्टर को लेकर या पूरे नॉवेल को या उसको ड्रामेटाइज करके कंप्लीट क्या आपका कंप्लीट इरादा कैसा है? नॉवेल, कंप्लीट नॉवेल। अगर मैं कंप्लीट कर्म भूमि कर रहा हूं तो कर्म भूमि पूरा का पूरा मैं मंच करूंगा, पूरा करेंगे। 3 सवा 3 घंटे का और 3.5 घंटे का होगा अच्छा, कर्म भूमि करेंगे या मैदाने अमल करेंगे? दोनों एक ही नॉवेल है। उर्दू में मैदाने अमल है और हिंदी में मालूम कर्म पता भूमि है, तो पता किस में करेंगे, किस मैं अगर किस उर्दू वालों में करूंगा तो मैदान अमल करूंगा, मैदाने तो अमल? कर्म भूमि। अच्छा, तो कर्म भूमि करेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्रेमचंद के, जाहिर सी बात है कि जब प्रेमचंद को किया तो प्रेमचंद को बड़ी गहराई से मुताला भी किया है, उनके ड्रामे को आपने क्यों नहीं स्टेज किया? देखिए प्रेमचंद के जो ड्रामे हैं, संग्राम उनका एक ड्रामा है, संग्राम उनके है और ड्रामे करबला जो, है, करबला। हाँ कर्तव्य, वो एक तो ड्रामे जो हैं जैसे बहुत बहुत लेंथी प्लेज हैं, बहुत मतलब बड़े हैं, और सेकंड ये कि एक कोई कोई ड्रामा तो चार चार एक्ट का है। तो हमने ये सोचा, हमारा मकसद ये था कि प्रेमचंद को ट्रिब्यूट पेश करने का तरीका ये हो सकता है कि उनके अफसानों पर ड्रामे किए जाए। अच्छा हमारा मकसद तो यह था कि प्रेमचंद के 315 कहानियां, 315 ड्रामे, ये मकसद था। लेकिन प्रेमचंद का जो संग्राम नाटक है वो तो कई बार खेला भी गया है, लेकिन करबला मुझे लगता है कि आज तक अभी तक किसी ने खेला नहीं है,
और उस पर एक लेबल लगा दिया गया है कि ये अदबी ड्रामा है। सच बात कहूं तो अदबी ड्रामा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने पढ़ा है उस ड्रामे को और कई बार पढ़ा है, वो स्टेज के तमाम तकाजों को पूरी करता है, पूरा करता है वो ड्रामा, बिल्कुल और आप उसको स्टेज पे बहुत आसानी के साथ पेश कर सकते हैं। बहुत। लेकिन पता नहीं क्यों प्रेमचंद की एक कहानी, कर्बला आप बोल रहे हैं ना, तो प्रेमचंद की कहानी अफ है, पार्डन, अफ, पार्डन। वो कहानी भी आप अगर पढ़ते हैं ना, हम लोग कहानी स्ट्रेच की है, वो 1.25 घंटे की कहानी है और बहुत खूबसूरत पस मंजर है। स्पेन का पूरा वाकया है और वहां पर क्या कैसे और उसमें जो किरदार प्रेमचंद ने बनाए, खासतौर पर दो किरदार, वो एक एक कातिल और एक मकतूल, और मकतूल के बाद वो जबरदस्त किरदार है। हमने वो ड्रामा नॉन उर्दू वालों के बीच में किया है जिनको उर्दू नहीं अच्छा आती है, हमने वो उर्दू ड्रामा किया है। और ट्रस्ट ऑन मी, मतलब आप यकीन करें कि हमने लोगों को ऑडियंस में बैठे रोते हुए देखा है। उर्दू जी ड्रामा लोग समझ रहे हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू नहीं है, और बहुत अच्छी उर्दू, प्योर उर्दू में लिखा हुआ है वो ड्रामा। जी और मैं एक बात आपको और बताऊं कि मेरा, मैं एक काम और भी करता हूं, मैं भाषा में उन अपने नाटकों में उन लोगों को खास तौर पे काम देता हूं या करवाता हूं जिनकी वो भाषा वो उर्दू नहीं जानते, एक तरह मैं से आप उसे, जबान हाँ, की खिदमत भी कर रहे हैं। जी मैं जी अभी मैंने रश्मि रथी किया, रश्मि रथी नाटक जो है वो प्योरली हिंदी संस्कृताइज हिंदी हिंदी संस्कृत वाली हिंदी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैंने कृष्ण का जो किरदार है, मैंने एक एक्टर को दिया जो साउथ इंडियन है, जिसकी मातृभाषा हिंदी है ही नहीं, और उसे इतनी अच्छी हिंदी बोला कि जब हमने उस ड्रामे को मुजफ्फरपुर में किया तो लोग हैरान थे कि मैंने कहा कि बच्चा जो है ये साउथ इंडियन है। तो मेरा एक काम ये भी होता है कि मैं थोड़ा चैलेंज भी लेता हूं कि ताकि किरदारों को मैं बहुत यहां वहां घुमाता रहता हूं कि तू ये करता, किरदार तू ये कर ले, अब तू ऐसा करेगा। तो किरदारों के लिए बहुत चैलेंज होता है, मेरे कई नाटकों में कई किरदार मुख्तलिफ किरदार करते हैं, तो इसने किया है तो अगले शो में वो करेगा, मैं ये भी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। खैर, ये तो प्रेमचंद की कहानियों के हवाले से आपसे मैंने बात की। अब ये बताइए कि आपने तकरीबन 500 यकबाबी ड्रामे किए हैं, की हिदायतकारी की है, और 10 फुल लेंथ ड्रामे किए हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जिस प्रोसेस से काम करते हैं एज अ डायरेक्टर, आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या क्या चैलेंजेस रहती हैं आपके साथ, ये जरा इसके बारे में बताएं आप। चैलेंजेस तो इतने रहते हैं कि आदमी पगला जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे चैलेंजेस कबूल किए हैं और उनका दीवाना वार मुकाबला किया है। जी हमारे यहाँ कोकण एक इलाका है, कोकण में रेवडंडा एक जगह है, रेवडंडा अच्छा में प्रोग्राम था और पूरा अरेंजमेंट कर लिया गांव में, जी और वहां पर स्टेज की अरेंजमेंट नहीं हो पाया, ड्रामा कर रहे हैं अरेंजमेंट नहीं हो पाया। अच्छा अरे यार, मैंने कहा कैसे होगा, और 400-500 लोग आ भी गए, तो मैंने कहा एक बड़ा ट्रक मंगाओ। उन्होंने बड़ा ट्रक मंगाया, मैंने ट्रक खोल दिया और मैंने जी कहा दो ट्रक और मंगाओ, दो ट्रक और मंगाए गए। मैंने उसकी हेडलाइट अच्छा हेडलाइट ऑन करो, हेडलाइट ऑन किया, वो उस ट्रक पे आई जहां पे हम परफॉर्म कर रहे थे। 2 घंटे का ड्रामा हमने ट्रक पे किया। अब दर्शक अच्छा कहां, आप दर्शकों को नहीं कर सकते कि चाहिए खर्चा। तो जी कभी कभी ऐसे ऑर्गेनाइजर्स आपको मिल जाते हैं कि आपका ड्रामा नहीं होगा। तो मैं जी हमेशा कहता हूं कि थिएटर में हर चीज पॉसिबल है, इम्पॉसिबल लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए। इम्पॉसिबल लफ्ज की जगह नहीं एक है। वाला जो काम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, आपको मिल जाते हैं। जी तो ऐसे कई वाकयात हैं। मैं बीच में बिहार गया था, बिहार में एक छोटा सा स्टेज दिया मुझे और कहा यहाँ पे जी आपको ड्रामा करना है, रोशनी बताइए। अच्छा मैं स्टेज पे ड्रामा कैसे होगा, 22 अच्छा एक्टर्स हैं उसके अंदर। फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक काम अच्छा करिए कि मुझे एक कारपेंटर दीजिए, एक कारपेंटर बुलाया, एक हेल्पर को बुलाया, मिट्टी खुदवाई,
वहां पर बाबू टाड़ा, फिर उस पर बेंचेस लगाई, स्टेज को चौड़ा किया, और ये सब करने के बाद हमने जाके वहां पर ड्रामा किया। और बहुत रद्दी माइक थे, फिर भी चूंकि शो मस्ट गो ऑन, आप ये मत कहिए कि यार ये नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज अवेलेबल नहीं है, आपको करना है। जो लोग देखने के लिए आए हैं वो बहुत उम्मीदों के साथ आए, उनका कोई कसूर नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजर ने गड़बड़ की है तो उसकी सजा उनको क्यों दी जाए। तो आपकी मोहब्बत में आपको नाटक करना होगा। तो मतलब ये हमने, जैसे आपने कहा कि डायरेक्टर्स को सबसे सबसे पहले डायरेक्टर आता है और सबसे आखिर में, बिल्कुल बिल्कुल, डे वन से डायरेक्टर जो इन्वॉल्व रहता है तो डायरेक्टर का सबसे ज्यादा है। हमने लेकिन इसके बावजूद तमाम चैलेंजेस को मैं कबूल करता हूं और मैंने उनका मुकाबला किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता और मैं अच्छे से अपना काम कर लेता हूँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है, और ये अच्छा है कि मतलब चाहे जैसा भी कंडीशन हो आप हर हालात में ड्रामे को शो कर लेते हैं, और ये होना भी चाहिए कि थिएटर एक इम्प्रोवाइजेशन का भी नाम है कि हम किस जगह पे कैसे, हमारे पास हो सकता है कि जिस ड्रामे को हमने प्रोसेनियम के लिए तैयार किया हो वो अगर, जैसा कि आपने बताया कि आपको ट्रक पे जाकर वो ड्रामा खेलना पड़ा, तो ये एक जो हिदायतकार होता है उसकी समझ पे है, और उसकी जाहिर सी बात है कि उसकी दानिशमंदी पे ही ये निर्भर करता है कि वो कितना अकलमंद है और किस तरीके से वो काम ले सकता है अपने काम में। मैं एक वाकया और शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पर आईआईटी है पवई, अच्छा आईआईटी इंडिया में है, पवई में भी एक हमारा आईआईटी है। वहां पर हम जब हम कॉलेज में थे तो हमने एक ड्रामा किया था, तो उस वक्त ये हुआ था कि हमारे ड्रामा ग्रुप, हमारे जो ग्रुप था उसमें दो लड़के शामिल हो गए थे जो ऑपोजिट ग्रुप के थे। अच्छा, पता नहीं था। और ड्रामा शाम को 4 बजे है और 2 बजे उन लड़कों ने कहा कि हम ड्रामा नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात, 6 एक्टर थे साहब, 6 एक्टर, वो दो निकल गए। अच्छा, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं लाइटिंग और म्यूजिक कर रहा था। तो अब ड्रामा या तो कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन हम तो हमने कहा ड्रामा होगा। और मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो मैंने कहा कि इस पे लाइटिंग और म्यूजिक नहीं होगी और वो दो किरदार मैं करूंगा। मैं तो बोनाफाइड स्टूडेंट था और मैंने किरदार अदा किया साहब, और मूड इंडिगो में वी गॉट बेस्ट प्ले अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट राइटर अवार्ड, और तमाम किरदारों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। अरे वाह, अगर मैं छोड़ देता और नहीं करता, छोड़ तो नहीं करता तो हिम्मत हारना होगा। तो आप प्ले नहीं करेंगे, दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए नाटक आपको करना है, हर हाल में करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज जितना है आप अपने आप से कीजिए, लेकिन नाटक स्टेज कीजिए। आप भागिए, अरे नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, करिए करिए करिए, जरूर होगा जी। अच्छा, आपने एक ड्रामा किया है कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म साहनी का बेहतरीन ड्रामा में से एक है, यानी बहुत सक्सेसफुल है, और इसका किस तरह से आपने, कैसे कब खेला था और क्या मतलब क्या प्रोसेस क्या रहा था आपका, किस तरह से? बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा इसका एक इंसिडेंट है। अच्छा, हमारे हमारे गुरुओं में एक नाम है शफी नामदार का। अच्छा, शफी नामदार साहब ने भी मुझे सिखाया है। तो ये ड्रामा जब मैं कर रहा था तो मैंने शफी भाई से कहा, शफी भाई मेरे पास तो मैं ड्रामा बहुत दिलचस्प है। मैंने साईं साहब से बात किया, साईं साहब ने कहा कि आप मंच कीजिए, वो तो राजी हो गए थे करने के लिए। मैंने कहा शफी भाई मेरे पास स्टेज नहीं है, कहाँ खेलूंगा मैं? तो शफी भाई ने कहा तुम काम करो, तुम मेरे साथ चलो। उन्हें गाड़ी में बिठाया और ले गए पृथ्वी थिएटर, और संजना किशोर के ऑफिस में दाखिल हुए और पहला जुमला कहा कि मुजीब खान में क्या बुराई है, इसको डेट क्यों नहीं मिलती? संजना शफी भाई जो थे, जी 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 जी, पृथ्वी थिएटर को जो शुरुआत के दौर में जिन्होंने प्रमोट किया, शफी नामदार सबसे ऊपर नाम, सबसे ऊपर।
जी संजना थोड़ा सा परेशान हो गई, हैरान हो गई। फिर शफी ने कहा कि इमीडिएट तीन डेट दो इनको, मैं कह रहा हूँ, और मेरी डेट कैंसिल कर दो, बोले इनको दो। और शफी भाई के बोलने पर संजना ने तीन डेट मुझे दिया और हमने मंचन किया और बहुत कामयाब मंचन, शफी भाई भी आए थे, बहुत कामयाब। और उसमें उन्होंने ये इस बात का भी ख्याल रखा था अगेन कि जो उसकी तारीखी हैसियत है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, वो किरदारों जो हाव भाव हुलिया हमने तो बहुत ख्याल रखा था। और उसके बाद उसके 20-22 शोज हमने किए, और जैसे कि आप जानते हैं कि उर्दू ड्रामे हैं या इस तरह के ड्रामे, कबीरा खड़ा मिजाज के ड्रामे, इन ड्रामों के बहुत ऑडियंस नहीं मिलती आपको, तो ऐसे ड्रामे कहीं ना कहीं आकर दम तोड़ देते हैं। तो हमने 20-22 शोज किए और कामयाब शोज किए, उसके आगे फिर नहीं कर पाए क्योंकि आगे के लिए बहुत मुश्किल थी, हमने खत्म कर दिया उसको। और आपने स्पार्टेकस भी किया है जो हमारे बादल सरकार बादल दा का लिखा हुआ ड्रामा, तो उसको किस तरह से आपने पेश किया उस ड्रामा? स्पार्टेकस जो हमने किया ना, तो वो उसमें हम लोगों ने 3 महीना प्रैक्टिस की। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने कैरेक्टरों की एक्सरसाइज करवाई कि कोहनियों के बल पे चलो, घुटनों के बल पे चलो, अपनी बॉडी को रगड़ के चलो, और पूरा साइकोफिजिकल किया, साइकोफिजिकल अपनी अपनी अपने अपने मुंह से ऐसी आवाज क्रिएट करो कि एटमॉस्फेयर बने, एटमॉस्फेयर कि भाई ऊपर जो है गार है, गार में ऊपर पत्थर है, राइट पत्थर है, लेफ्ट पत्थर है और नीचे पत्थर है, उस गार में आपको जाना है। और इतनी बड़ी लाइन है गुलामों की कि जो खत्म नहीं है, अंधेरा खूब अंधेरा, पूरा बदन पसीने में शराबोर है, और उसकी हम लोग, और जब वो ड्रामा हमने किया ना, हमने उसका शो किया एनसीपी में, अच्छा। तो उसमें चूंकि साइकोफिजिकल है, सारे जो अपनी आवाज से और एक्शन से बता रहे हैं, तो जो पहला जो फाइट था दो ग्लैडिएटर के बीच में, एरिना फाइट, फाइट में एक गुलाम जो है खंजर से उसको मारता है और वो खंजर अपना बचाता है और भागता है, वो भागता है, वो पब्लिक में जंप करता है, दूसरा भी गुलाम पब्लिक में जंप करता है, आगे 4-5 औरतें बैठी थी वो डर के भागी भी, डर के हॉल के बाहर निकले जनाब, खंजर में कैरेक्टर के हाथ में नहीं है, लेकिन ऑडियंस कन्विंस है तो उसके हाथ में खंजर। हमने पूरा एरिना क्रिएट किया कलाकारों के साथ, हमने फाइट की और ग्लैडिएटर्स की फाइट की हम लोगों ने, हमने पूरा पूरा महल खड़ा किया रोमन्स का किरदारों के साथ, और इस बात का ख्याल रखा कि जो गुलाम है उनकी पर्सनैलिटी कैसे होगी और जो रोमन्स हैं वो कैसे होंगे, बहुत फर्क ऐसा रखा कि रोमन हमेशा हाइट पे आते हैं और गुलाम नीचे, कैसे गुलामों को लात मारते हैं, कैसे किरदार कैसे करते हैं, ये पूरा सीन, मतलब मेरा एक स्टूडेंट था जो एक एक्टर था, एक दिन मैं उसके घर गया तो उसकी नानी मुझसे कहती है, अरे बेटा तू मेरे बेटे को क्या करवाता है, ये मेरे यहां से आता है आगे मुर्दा हो जाता है। वो जो हम लोग 8 to 8 करते, 8 to 8 मॉर्निंग 8 o'clock इवनिंग 8 o'clock, मतलब किरदार इतने उसमें घुस गए थे कि उनको आप अंधे नींद में भी उठाते थे, उठाएं तो वो अपने किरदार में, बड़ा मेहनत की, बहुत मेहनत की थी। जी, चलिए कच्चा तजुर्बा रहा आपका। सुगंधी आपने किया, सुगंधी ड्रामेटाइज करके, या मंटो ने रेडियो ड्रामा सुगंधी ड्रामा के तौर पे भी लिखा है, वैसे करके किस तरह से किया, ये आपने खुद किया? हमने वो बायर वाला जो कैरेक्टर है जो चाय लेके आता है, हमने उसका बहुत अच्छा कैरेक्टर बनाया,
अच्छा पूरा कन्वर्सेशन रखा सुगंधि के साथ, और सुगंधि के साथ किरदार को बांध दिया आखिर तक। तो हमने किरदारों को मंटो के रेडियाई ड्रामे को पूरा स्टेज के फॉर्म में किया, और लोगों को जैसे वो सीन था रोड का, हमने रोड के सेट पर कैरेक्टर्स के कैरेक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो रोड पे आती है गाड़ी वहां खड़ी है, वो इशारा करता है, वो जाती है, वो पूरे सीन्स हम लोगों ने ड्रामेटाइज तरीके से ड्रामेटाइज किया ड्रामे उसको। अच्छा, ये कब किया था आपने? ये हमने किया था आई थिंक सो 87-88। बहुत पहले किया आपने, बहुत 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 पहले किया आपने। जी जी। और फिर आपका जो हालिया प्रोडक्शन है जो पिछले 2-4 वर्ष पहले आपने किया था, आजाद का ख्वाब हिंदुस्तान की आजादी, तो ये आजाद का ख्वाब हिंदुस्तान की आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद के पूरे हालात जिंदगी का अहाता करता है, या उनके जो सियासी नजरियात हैं सिर्फ उसी को लेकर आपका ही लिखा हुआ ड्रामा है? नहीं, ये काजी मुश्ताक अहमद साहब का ड्रामा है। अच्छा। और ये मौलाना आजाद की पूरी जिंदगी का अहाता करता है, पूरी जिंदगी आजाद का। लगता है मुजीब साहब नेटवर्क कुछ बाहर हो गए हैं नेटवर्क से, मुजीब साहब खैर हम कुछ पल इंतजार कर लेते हैं, शायद मुजीब साहब दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएं। नाज़रीन, हमें आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये लिटिल थेस्पियन के इश्तराक से जो हमने ये रंग सफर, जो रंगरस के रंग सफर का जो हम लोगों ने एक ऑनलाइन की शुरुआत की, इस रंग सफर के तहत जो आज हमारा ये आखिरी किस्त, इसकी आखिरी किस्त है आज इस रंग सफर की, और हमारे पहली किस्त में हमारे 10 मेहमान आए थे और दूसरी किस्त में हमारे साथ 12 मेहमान जुड़े और हम लोगों ने उनके साथ गुफ्तगु की और उनकी मुजीब साहब जुड़ गए हैं जरा सा। जी आप हाँ नेटवर्क से बाहर हो गए हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये टेक्निकल मामला है, किसी वक्त भी कवरेज का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो हम गायब हो जाएं कवरेज में या आप गायब हो जाएं, ऐसा सिलसिला हो सकता है। जी थिएटर में, जी थिएटर में आप पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। जी आपकी आवाज थोड़ा आ रही है, आवाज कम है आप। जी आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ बहुत हल्की आवाज आ रही है। मैं एक मिनट, ये थोड़ा सा थिएटर में हम लोग जो है वो मेरे कहा एक 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 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, एक मिनट रुक जाइए। सॉरी आप अपनी बात हेडफोन लगा लें। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, वही कर। जी जी कोई बात नहीं है, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ आप आवाज आ रही। मैंने कहा थिएटर में हम लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, जी, लेकिन जी, ये इंटरनेट में मीडिया में ये अपने बस में नहीं है भाई। हाँ, ये हमारे बस में नहीं है। तो मैं बात कर रहा था आपसे मौलाना आजाद, हिंदुस्तान की आजाद, तो वो ड्रामे में हमने पूरी जिंदगी का अहाता किया है, और आजाद साहब की फैमिली लाइफ, उनकी बेगम, उनके साथ क्या क्या वाकयात हुए। आपकी आवाज कट रही है जरा, माउथ पीस को सामने ले लें उसके। हेलो हेलो आवाज आ रही है? जी जी जी। तो उसमें मौलाना आजाद का पूरा मतलब ये कि बैकग्राउंड उनका, उनके फैमिली का बैकग्राउंड, और उनकी बेगम के साथ उनके ताल्लुकात, और किस किस हालात में बेगम ने सपोर्ट किया उनको, बीमार थी और आजाद साहब घर पे देश का काम करते थे, देश के लिए दिन रात मीटिंगें करते थे, और बेगम साहिबा बीमार रहा करती थी,
घर पे कैसे खर्च चलेगा, घर के हालात कैसे ठीक होंगे, वो सारे इमोशंस हमने रखे। और जब आजाद साहब को जेल में रखा गया और बेगम का इंतकाल हो गया, तो आजाद साहब को अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको पैरोल पे छोड़ने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोई भी हमदर्दी, आपका कोई भी सपोर्ट मैं नहीं लूंगा। और उनकी बेगम को आजाद साहब की गैर मौजूदगी में उनकी तदफीन की गई। तो आजाद का जो लोग मौलाना आजाद नाटक जिन्होंने देखा, उनको पूरी आजाद साहब की जिंदगी उस नाटक में दिखाई देती है। जी, ये अभी इनका इंतकाल हो गया अपने रघुवंश बाबू का, जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के थे, रघुवंश प्रसाद यादव, रघुवंश बाबू। तो रघुवंश बाबू ड्रामा देखने आए थे, तो उन्होंने कहा, जब ड्रामा खत्म हुआ तो मुझे कहा कि मुजीब साहब, हमको लगा कि हम साक्षात जो है वो आजाद साहब को स्टेज पर देख रहे हैं। अच्छा, आपने पूरी जिंदगी को बोले आजाद साहब के पौने दो घंटे में समो दिया है। बहुत बहुत खुश हुए उस ड्रामे से वो। और उसके बाद दो तीन शोज और हमारे दिल्ली में थे, उन शोज में भी आए थे वो। अच्छा अच्छा। तो एक तो क्या है ना अजहर साहब, ये जो तारीखी जो ड्रामे होते हैं, ये इनको भी करने का मुझे बहुत शौक है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है तारीखी ड्रामे भी करना। अब मैं ड्रामा करने जा रहा हूँ लोकमान्य तिलक पे, और बहुत शुरुआत से लेकर उनके आखिरी वक्तों तक वो ड्रामा होगा। तो उसपे हम भी काम कर रहे हैं, काजी मुश्ताक साहब ने लिखा है उस ड्रामे को। अच्छा अच्छा। कहने जैसे आपने देखा लिस्ट में कि हमने भगत सिंह पे भी ड्रामा किया, स्वामी विवेकानंद जी पे ड्रामा किया हम लोगों ने, मिर्जा गालिब पे भी किया, इकबाल पे, महात्मा गांधी पे भी आपने किया। तो इनकी जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे गालिब के खतूत को लेकर आपने किया या गालिब की जिंदगी? नहीं नहीं नहीं, गालिब की जिंदगी पे किया। गालिब की जिंदगी, खतूत पे नहीं। खतूत पे तो खैर बहुत आसान है कर लेना, गालिब की जिंदगी में बहुत ड्रामा है। अगर आप स्टडी करें गालिब साहब की जिंदगी आप पढ़ें, तो बहुत ड्रामा है, मतलब उनका उसमें भी हमने गालिब साहब की पूरी फैमिली, मतलब गालिब साहब की बेगम को भी रखा, फिर गालिब साहब के क्या इश्यूज थे अंग्रेजों के साथ, वो भी हमने रखा। जी हाँ, वो सब हमने उस ड्रामे में कवर किया है। अच्छा, आपने बच्चों के लिए भी कोई ड्रामा किया, चिल्ड्रंस थिएटर? चिल्ड्रंस थिएटर में हमने ईदगाह किया है। अच्छा, किया क्योंकि प्रेमचंद जी की कहानी थी, हमने किया। हमारा मेन जो था वो जो फोकस है वो इस तरह के प्लेस की तरफ रहा है शुरू से ही। जैसे मैं बताऊंगा, ये स्वामी विवेकानंद, ये नाटक जब हमने शुरू किया तो यही दिक्कत थी कि स्वामी जी के किस हिस्से को, किस पार्ट को जिंदगी के कवर किया जाए। क्या हम जो है वो शिकागो का भाषण रखें या स्वामी जी के, तो हमने बताया स्वामी जी का पूरा बचपन। अच्छा। और स्वामी जी की मोहब्बत उर्दू जबान से। अच्छा, ये एक अलग पहलू। हाँ, स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि हमारे घर में फारसी की किताबें हैं हमारे घर में। और स्वामी जी के जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत अच्छा ज्ञान था फारसी का बिल्कुल। हाँ, तो स्वामी जी उसमें कई जगह पे स्वामी जी के साथ हमने सीन्स बनाए हैं, जहाँ पे स्वामी जी को बताया कि वो धर्म के ताल्लुक से जिस तरह लोगों ने उनसे बातें की, स्वामी जी बहुत अगेंस्ट थे। आप हिंदू मुसलमान इस तरह की बातें मत करिए, आप इंसान को इंसान की तरह देखिए, इंसान समझिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसीलिए हमने उसमें एक सीन भी हमारे यहाँ है स्वामी जी का, कि एक मुस्लिम एडवोकेट है, एडवोकेट, तो वो स्वामी जी को मिलता है, स्वामी जी को खेतड़ी मिलता है, खेतड़ी वहां मिलता है। स्वामी जी अपने गार में बैठे हुए हैं, बड़ी जर्जर हालत में वो बताया है। तो वो कहता है कि आप यहाँ, तो कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो वो हूँ अपना, हम जहाँ हमको दो रोटी मिलती है हम सो जाते हैं,
हम खा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी आप मेरे घर पे चलिए। तो स्वामी जी अपने घर ले जाता है, वो वहां पे स्वामी जी खिदमत करता है और स्वामी जी को मुलाकात करवाता है खेतड़ी नरेश से। अच्छा, क्योंकि वो एडवोकेट खेतड़ी नरेश का है। अच्छा अच्छा और उसका नाम मोहम्मद फैज है। अच्छा, और स्वामी जी को विवेकानंद जो जब जो कहा गया, जो उनको खिताब के जो नाम दिया गया वो खेतड़ी में दिया गया और खेतड़ी नरेश ने उनको दिया। तो खेतड़ी नरेश ने ही उनको शिकागो भेजा था। तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल नथिंगनेस पे बहुत ही जो एक उनका स्पीच है जी। तो मैंने मतलब ये कि आप अगर ये सब ये जो ड्रामे हैं, जैसे स्वामी जी पे ड्रामे नहीं लिखे गए, नहीं उर्दू में बहुत नहीं लिखे गए, नहीं हिंदी में भी नहीं है। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं है। तो हमने खास तौर पर स्वामी जी पे ड्रामा किया। मौलाना आजाद पे भी कोई ड्रामा नहीं है। गालिब साहब पे ड्रामा मिल जाएगा आपको, गालिब पे बहुत सारे ड्रामे मिल जाएंगे, मौलाना आजाद पे नहीं है, किसी ने नहीं लिखा है। लेकिन मुझे जहां तक याद है कि कलकत्ते में हमारे कमाल अहमद साहब हैं, उन्होंने मौलाना आजाद पे एक ड्रामा लिखा है। और वाकई उर्दू में मौलाना आजाद पे ड्रामे नहीं मिलते हैं। नहीं आजाद साहब वो जो ड्रामा है ना मौलाना आजाद पे, वो मौलाना आजाद का जो कॉल ऑफ फेल जो उनका टॉक है जज के साथ, वो उस पर खेलते हैं वो लोग। लेकिन मौलाना आजाद की जिंदगी पर ड्रामा, उनके हालात जिंदगी पे कोई बात नहीं होती है, नहीं कोई ड्रामा नहीं खेला गया है। ये सही कहा आपने। और मैंने क्या अजहर साहब, मेरा एक और पैशन है और वो पैशन है जर्नलिस्टिक थिएटर करने का। मैं एक खबर पे कोई स्टोरी डेवलप करता हूँ, फिर उस खबर को अलग अलग अखबारों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, फिर चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखता हूँ और अब मैं ड्रामा करता हूँ। तो मैंने जर्नलिस्टिक थिएटर बहुत किया है। मैंने जस्टिस फॉर जेसिका किया था, मैंने बिल की ज़बानों किया था, मैंने महर भार्गव का कत्ल हुआ था लखनऊ पे, लखनऊ उसपे मैंने ड्रामा किया था। मुंबई में एक बलात्कार हुआ था अंधेरी में, मैंने उस पर ड्रामा किया था। तो न्यूज पर भी ड्रामे मैंने बहुत किए हैं, न्यूज पर भी। हाँ, ये ट्रेंड बिल्कुल नया है, इस तरह से लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी नहीं। और मैंने किसी को भी इस तरह का ड्रामा करते हुए नहीं देखा। हाँ, ये जरूर देखा है मैंने कि छोटी छोटी खबरों को लेकर एक कोलाज करके एक ड्रामा तैयार कर लिया और उस पर ड्रामा किया है। लेकिन बाज़ाब्ता जैसे किसी एक खबर को लेकर, जो एक सब्जेक्ट को लेकर, जैसे रेप का जो मामला है, वाकई बहुत ही घिनौना और बहुत ही है, उस पे होना ही चाहिए बिल्कुल। और जो हालात अभी हमारे मुल्क के हैं, जो नजर आ रहा है, मैं वो करता हूँ, अपना स्ट्रीट प्लेस करता हूँ, तो ये सारे सब्जेक्ट बहुत आपको टच करते हैं, आपको इन पर काम करना चाहिए। मैंने एक जगह कहा था अगर मुंशी प्रेमचंद आज जिंदा होते तो वो रोज कम से कम 10 कहानियां लिखते हैं। हर सफे पर, अखबार के हर पेज पर एक कहानी है। आप पेज पलटाइए, दूसरी कहानी है, तीसरी कहानी है। कहानियों की कमी नहीं है। आप सोचें तो आज ज्यादा स्कोप है राइटिंग का। प्रेमचंद के जमाने में राइटिंग का स्कोप नहीं था, और प्रेमचंद के जमाने में इतना मीडिया एडवांस नहीं था, इतने अखबार नहीं थे। और मुंशी जी ने उस दौर में इतनी कहानियां लिख डाली, इतना काम कर लिया, इतने खुतूत लिख डाले, इतने आर्टिकल लिख डाले, इतनी नॉवेल लिख डाली, उस दौर में लिख डाला उन्होंने। आज तो अगर राइटर चाहे तो रोज एक ड्रामा लिखे, रोज एक कहानी लिखे। आज के अखबार कहानियों से भरे हुए हैं जी। आपके और हमारी बातचीत के दरमियान बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है,
जो मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। कोई जाफर बानगी हैं वो आपको वेलकम कर रहे हैं, इंतखाब शेख हैं वो आपको प्रेमचंद पर बहुत काम किया है ये बता रहे हैं, वो मैं भी जानता हूँ इंतखाब शेख के इन्होंने काम किया, बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है जी। और जाफर बानगी साहब कह रहे हैं कि बहुत कामयाब रंग सफर की शुरुआत है ये काम है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सुरेश शर्मा साहब जो एनएसडी के डायरेक्टर हैं वो भी नाटक करते हैं, उन्होंने भी किया है, ये उमा लिख रही हैं। और शकील उजमा हबीब एक यहाँ के हैं हमारे थिएटर क्रिटिक, वो लिख रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। एस एम राशिद साहब लिख रहे हैं कि टॉम ऑल्टर ने अबुल कलाम आजाद पर की जी एक्टिंग एक्टिंग भी की है। है जी वो जी जी मोनोलॉग है, मोनोलॉग है। हाँ मनोज है। और बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स हैं, अलग अलग है तो पूरा तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो बाद में हम लोग देखेंगे और हम लोग उस पर बात करेंगे। अच्छा एक अहम बात ये कि हमारे रंगरस की ऑनलाइन सीरीज रंग सफर में मुंबई से कई मेहमान इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और उनमें से कई लोगों ने मुंबई में उर्दू थिएटर के वजूद से इनकार किया है। आप बताएं उर्दू थिएटर मुंबई का कैसा है, किस तरह का है आपकी नजर में? देखिए, ये तो सच्चाई है, हकीकत है कि उर्दू जी थिएटर के नाम पर मुंबई में कुछ नहीं है। हर साल उर्दू एकेडमी जो है वो उर्दू वालों जी पर एहसान करती है एक ड्रामा जी फेस्टिवल करके, जिसमें जी वन एक्ट प्लेज होते हैं, और यही जी खिदमत उर्दू एकेडमी जी बरसों से कर रही है उर्दू के नाम पर। बाकी जी कोई इस तरह का, अच्छा जो लोग ड्रामे कर रहे हैं जी जी उन फेस्टिवल, उस फेस्टिवल में जाकर, वो लोग हैं जो साल भर रेगुलर प्लेज नहीं करते, वो उर्दू एकेडमी। अच्छा जी, ऐसे लोग हर शहर में मिल जाएंगे कि एकेडमी में या कहीं फेस्टिवल हो रहा है तो अपना गोला लटका कर चले जाते हैं। वो उर्दू एकेडमी का वेट करते हैं कि भाई कब ड्रामा फेस्टिवल हो और हम जाके ड्रामा करें। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको ड्रामा करना है और आपको ड्रामे का शौक है, तो आप ड्रामा कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते बिल्कुल हैं। अजहर साहब, मैंने जब शुरू किया आइडिया, तो मैं एक लाइब्रेरी में ड्रामा करता था। एक भाई करने का लाइब्रेरी, जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप करिए ना। ये सिर्फ क्या है कि साहब हमारे पास स्टेज नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं है, अरे सब आ जाएगी भाई, आप करिए, तो शुरुआत तो कीजिए। लेकिन ये शिकायतें करने में, शिकायतें बहुत है हमारे पास, शिकायतें अंबार है बहुत करते शिकायतों का, जी लेकिन जी कोई आदमी प्रैक्टिकली पॉजिटिवली नहीं करता। नहीं इसका करता इसका मुझे अफसोस भी है कि मैं भी, मेरे यहाँ, मैं इस शहर का हूं, और मैंने उर्दू एकेडमी के ड्रामा फेस्टिवल में जाना बंद कर दिया है जमाने से, नहीं अच्छा जाता मैं, नहीं जाता जी मैं। जी वजह यही है कि भाई जी अगर अगर लोग सिर्फ बरसाती मेंढक बन के ही आए, मैंने उर्दू एकेडमी को एक राय दी थी कि आप फुल लेंथ ड्रामा फेस्टिवल कीजिए, अगर बिल्कुल फुल लेंथ ड्रामा फेस्टिवल होगा तो अजहर साहब एक ड्रामा तैयार करेंगे, एकदम 2.5 ड्रामा घंटे का तैयार ड्रामा। हाँ, वो करेंगे 2.5 घंटे का ड्रामा वो साल में 10 बार कहीं ना कहीं करेंगे। करेंगे बिल्कुल लेकिन लेकिन जो आदमी वन एक्ट प्ले करता है वो करा और भूल गया। ना। और कंपटीशन की गरज से ड्रामा करना हाँ, वो स्कूल और कॉलेज लेवल तक ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद इससे इससे उर्दू भाषा का, उर्दू जबान का कोई भला नहीं होगा, कोई भला नहीं इस तरह के होगा। ड्रामा फेस्टिवल से भला नहीं होगा। जैसे दिल्ली उर्दू एकेडमी करती है, वो हर साल ड्रामा फेस्टिवल करती है और फुल लेंथ प्लेस करती है। अब उसमें क्या होता है साहब कि मैं कोई ड्रामा तैयार करूं तो मैं चाहूंगा कि उस ड्रामे के मैं 15-20 शोज करूं, मैं अपने पैसे से करूंगा, लेकिन करूंगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है साहब, मैं एक शो नहीं जी करूंगा। लेकिन जो वन एक्ट प्ले करता है उसका वो एक शो में सारा बुखार उतर जाता है, उतर जाता है अब वो अगले बिल्कुल साल बुखार चढ़ेगा, अगले साल वो मेंढक की तरह टर्राएगा। जी जी जब इतना ही है बस।
जी जब जमाना आएगा वो फेस्टिवल का और वो बस एक माहौल बनेगा, या फिर उस इंतजार में बैठेंगे कि अब उर्दू एकेडमी बुलावा भेजेगी। हाँ, जी और हमको जी कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं 15 रुपए बात महीने पूछ के रहा हूँ, हिसाब यानी से इस तरह के मिलेंगे। ड्रामे उर्दू में नहीं हो रहे हैं जिसे हम एक रिवायती थिएटर कहें, यानी वैसा ट्रेडिशन नहीं है उर्दू थिएटर करने का, जो पेश करने का, जिसे हम टिकट शो कहते हैं, यानी ऐसे कोई ड्रामे मुंबई में उर्दू में नहीं पेश जी किए जा रहे हैं जो टिकट शो हो, बाजाबता जिस तरह से मराठी के ड्रामे होते हैं या दूसरी के जो हाँ भी। लेकिन मैंने देखा है कि आपके महाराष्ट्र में मालेगांव, भिवंडी और शोलापुर वगैरह में बहुत काम कर रहे हैं लोग, चाहे जैसा भी हो लेकिन रेगुलर काम कर रहे हैं, तो क्या वहां भी वही सूरत हाल देखिए, है कि कंपटीशन के लिए ड्रामे कर लिया, या फिर उर्दू एकेडमीज ने कोई फेस्टिवल करवाया उसके लिए कर लिया? वहां भी यही हाल है, वहां जी भी चाहे वो मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे वो शोलापुर हो, ये वहां पर भी वो थिएटर हो रहा है जो थिएटर शौकिया होता है कि चलो ठीक है साल में एक बार कर लेंगे। वो साल में एक बार करने वाले ही लोग हैं वहां पर भी, रेगुलर थिएटर के। आपको थिएटर में, आप थिएटर अगर ये, मैं बताऊं अजहर साहब, अगर आप ये सोच के करेंगे ना थिएटर कि इसमें मुझे 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी, तो आप थिएटर नहीं कर पाएंगे। जी आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप ये सोचिए कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा और कुछ मिल जाएगा तो आपको खुशी होगी। अगर आप ये सोच कर करेंगे मुझे मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तो आपको दुख होगा। जी तो कुछ बिल्कुल दुखी क्यों बिल्कुल रहे हैं आप? खुश रहिए ना, मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिला, मैंने ये आपको बात एक्सपेक्ट सही नहीं है कि किया। जो लोग सिर्फ उर्दू एकेडमी के भरोसे थिएटर कर रहे हैं, वाकई उससे उर्दू थिएटर की रिवायत और उर्दू थिएटर का कोई भला नहीं होना है। वैसे इस मामले में मैं कह सकता हूं आपको कि कलकत्ते का लिटिल थेस्पियन जो है वो रेगुलर ड्रामे पेश करता है, और हिंदुस्तान का ऐसा कोई थिएटर फेस्टिवल नहीं है जहां इसके ड्रामे पेश नहीं होते हैं, और टिकट शोज तो इसके होते रहते हैं। जी, मैं इस बात को मान रहा हूं। और आपके बारे में भी हम लोग सुनते रहते हैं कि जिस भी तरह से हो लेकिन स्टोरी थिएटर को लेकर आप बहुत काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और लिम्का बुक रिकॉर्ड में, बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम जाना, जिसका ताल्लुक किसी उर्दू मुआशरे से हो, उर्दू बैकग्राउंड से हो, वैसे शख्स का नाम जाना ये उर्दू वालों के लिए भी फख्र की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही मैं आपसे शुरू में ही जानना चाहता था कि ये तहरीक आपको कैसे मिली कि आपने मुंशी प्रेमचंद के, ये बहुत बड़ा कारनामा है, आप शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने तमाम अफसानों को, उनकी तमाम कहानियों को आपने एक तरह से पेश किया है आपने। अजहर साहब, ये तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने भी प्रेमचंद को 3-4 कहानियों में ही ढूंढा था, जैसे लोग ढूंढते हैं। लेकिन जब जी, मैंने प्रेमचंद को पढ़ा ना, जब मतलब तो हर कहानी स्कूल में नजर कॉलेज में आए। जितना, तो मुझे प्रेमचंद जी, हर कहानी में अलग नजर आए। अलग नजर उनका आए। जो स्टाइल था राइटिंग का, जो स्टाइल है और किरदारों, जैसे जी प्रेमचंद का मैं एक और कोटेशन यहाँ कोट करना चाहूंगा। प्रेमचंद ने कहा था कि उनसे पूछा गया कि आपके कहानियों में इतने किरदार मुख्तलिफ कैसे होते हैं, तो जी प्रेमचंद ने एक उसका जवाब दिया था कि जिन किरदारों को मैं अपनी कहानियों में पेश करता हूं, मैं उन चुका हूं, जी जी मैं उन किरदारों से मिल चुका हूं। तो आप जी समझिए कि उनका, उनकी जो मेमोरी थी, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, वो कितना जी जबरदस्त था। बिल्कुल। मैं गया था लम्ही, तो मुझे पता चला लम्ही कि ये घीसू, लम्ही ये घीसू और जी जी माधव यहां पर थे। घीसू और माधव रियल किरदार थे। रियल मैकू, किरदार। मैकू मुंशी प्रेमचंद की कहानी में एक मैकू होता है। मैकू अच्छा। जब आया था मुंशी जी के पास तो वो 5-6 साल का था, तब से उनके साथ रहा वो। और आखिर में शिवरानी देवी का जब देहांत हुआ, तब तक जी मैकू उनके यहाँ उनका साथी बनकर वो काम कर रहा। तो मैकू अच्छा। किरदार आपको कहानी, प्रेमचंद की कहानी बहुत मिलेंगे। और मैकू थोड़ा सा अजीब तरह का था, वो कैरेक्टर आपको उनकी कहानी मिलेगा। प्रेमचंद, प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी है मैकू नाम से, कहानी का नाम ही मैकू है। तो मैंने
जितनी बार प्रेमचंद को पढ़ा है मैंने प्रेमचंद को नया पाया है, डिफरेंट पाया है, जी तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब मेरी मेरी लालच बढ़ गई है कि मैं प्रेमचंद की नॉवेल्स पे भी ड्रामे करूं। हाँ, बिल्कुल अब मैंने बिल्कुल काम शुरू कर दिया, जैसे दो कहानियां खत्म करूं मैं इमिडिएटली शुरू कर दूंगा अपने नॉवेल्स पे काम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लग रहा जी है। और एक जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि उर्दू का सबसे अच्छा ड्रामा निगार आपकी नजर में कौन है? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल भी है और बहुत सोचने वाला भी है। तो मैं आपको उर्दू के अब जो ड्रामा निगार हैं उनकी बात करूं या मैं ऊपर से बात करूं? अच्छा, आप दो बात शुरू कीजिए, से बात करूं अभी जो जिंदा ड्रामा निगार जी। हैं उनमें कौन, और जो गुजरे हुए हैं जो सरोदे रफ्ता हैं उनके बारे में कहिए। जी देखिए, मैं चूंकि उर्दू मेरी मादरी जबान है और मैंने उर्दू जी में बहुत काम किया है और फिर मैं हिंदी में ने बहुत काम किया, हिंदी में मैं बहुत करता रहा हूँ और आज बिल्कुल मैं बिल्कुल ज्यादा पॉपुलर जो हूँ वो हिंदी के, चूंकि मैं प्रेमचंद जी को और अपने ड्रामों को मैं इंटीरियर में करता हूँ, बिहार इंटीरियर में करता हूँ, मध्य प्रदेश में करता हूँ, इंटीरियर में करता हूँ, जहां पे लोग ड्रामे नहीं करते मैं वहां जाके करता हूँ ड्रामे। हाँ, तो लेकिन मुझे ऐसा थिएटर लगता में है, उर्दू और हिंदी नहीं होता है। नहीं, चलिए। वो नहीं होता, थिएटर की जी कोई जी भाषा जी नहीं है, कोई कोई भाषा भाषा नहीं नहीं है। जी थिएटर में। जी बिल्कुल हाँ, तो मैं शुरुआत के दौर में बात करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आगाशर कश्मीरी, जी, उन्होंने एक नया ट्रेंड उस जमाने में ले आए थे, गलत जमाने में एक तरह नया के ट्रेंड ड्रामे। बनाया। हाँ, कि उनका उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, जबरदस्त काम किया, जो अगर उनको उर्दू का शेक्सपियर कहा गया है तो गलत नहीं है। अब उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमें ऐसा कोई राइटर नहीं मिलता जो लगातार मुसलसल लिखता रहा हो, लगातार। आगा साहब तो लगातार लिखते रहे, मुसलसल लिखते लिखते रहे, रहे, खेलते खेलते रहे। जी रहे उनके ड्रामे। तो उन्होंने कहा कि एक जगह मैं पढ़ रहा था कि वो अपना ड्रामा लिखकर किसी पनवाड़ी को सुनाते थे, किसी चाय फरोश को सुनाते थे, अगर पनवाड़ी और चाय फरोश कहता था आगा साहब मजा आ गया, तो उस ड्रामे को स्टेज करते थे, तो फाड़ के फेंकते थे। वो उनसे बिल्कुल पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी ऑडियंस यही है, यही मेरी ऑडियंस है। बिल्कुल तो आगा साहब का जो काम है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब उसके बाद अगर हम आते हैं आगा साहब के बाद, तो हमें लगता है कि लोग अब्दुल अलीम नामी हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ प्रोफेसर फसीह अहमद सिद्दीकी थे, प्रोफेसर फसीह अहमद सिद्दीकी थे हमारे यहाँ, फसीह साहब ने भी उस दौर में तकरीबन 30-40 ड्रामे लिखे और काफी ड्रामों को स्टेज भी किया। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात कि हमारे उर्दू थिएटर ने थिएटर के तकाजों को पूरा करने वाले ड्रामे नहीं, हमने क्या किया कि बड़ी लफाजी कर दी, मोटे मोटे लफ्जों को डाल दिया, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा रिश्ता आम पब्लिक से टूट गया, कहीं वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जब कादर खान ने लिखना शुरू किया तो कादर साहब ने किया कि बिल्कुल जनता की भाषा में बात की, लोगों की भाषा में, आम पब्लिक की भाषा में, तो कादर साहब के ड्रामे बहुत पॉपुलर हुए। फिर मुझे याद पड़ता है उस दौर में बबन खान, अदरक के पंजे, अदरक के पंजे के उस जमाने में कुछ 3-4 हजार शोज हुए थे, उस आदमी ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ हंगामा कर दिया साहब, उस आदमी ने हंगामा कर दिया था। अब वैसा कोई नजर नहीं आता। आगाशा ये कश्मीरी साहब, आपसे बातचीत करके बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही आपके साथ, हमारा वक्त हो चला है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब कि आपने हमारी दावत कबूल की और आप हमारे साथ आए। आदेश और मैं नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने नाजरीन का। नाजरीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने रंगरस की सीरीज को खूब पसंद किया, और साथ में मैं उन तमाम मेहमानान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। तो इसी के साथ मैं आपसे
इजाजत लेता हूँ और अपने मुजीब खान साहब, मुजीब खान भाई, हमारे बड़े भाई और हमारे बहुत ही खुश मिजाज ड्रामा निगार और हिदायतकार मुजीब खान साहब, आपसे भी इजाजत देता हूँ। और तब तक फिर अब हम हमारा ये दूसरा सीरीज जो है, दूसरी सीरीज का ये आखिरी किस्त, ये आखिरी एक किस्त थी आज ये, इसके बाद अब हम तीसरी सीरीज के मरहले पे जाएंगे और तीसरी सीरीज की इब्तिदा उसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें हम थिएटर के किस पहलू पे हम बात करते हैं, हो सकता है कि वो हमारा डिस्कशन का प्रोग्राम हो या फिर किसी और, या इसी तरह से हम थिएटर के किसी ड्रामा निगार और हिदायतकार के साथ बैठकर बातचीत और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तो तीसरी सीरीज आने तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। शब बखैर, खुदा हाफिज। मुजीब साहब, खुदा हाफिज, शब बखैर। बहुत बहुत शुक्रिया।